अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम ये अपने केज के अंदर मीठी बना रहे थे, जिसकी वजह से हीट रहे, क्योंकि आपको पता है पिंडी का मौसम काफी ज्यादा ठंडा है, जिसकी वजह से पतिंदे वगैरह जो से होते हैं इनका बीमार होने का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है। वैसे भी बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से मौसम अजीब सा हुआ है। आजकल ज्यादा परिंदे बीमार हो रहे हैं, और अभी इसके अंदर आग लगा के आपको दिखाएंगे। तो पहले इसके अंदर आग लगा लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं क्या। तो फाइनली काफी टाइम के बाद आग लग गई है, तो इसको काट लेते हैं बंद, ताकि यहाँ से धुआं ना आए। और ये जो सा धुआं होता है, इसके लिए आपने पाइप दिया, यहाँ से डायरेक्ट बाहर चला जाता है। तो अभी चेक कर लेते हैं कबूतरों के अंडे, कैटरिंग कर लेते हैं उनकी, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि 5 से 6 दिन हो गए अब तक, तो काफी हद तक बचा बंद होगा। आई थिंक के 14 दिन लगते हैं कबूतरों के अंडे से बचे निकलने के लिए। तो चलते हैं कैटरिंग काट लेते हैं इसकी। तो ऊपर रखे हुए थोड़ा सा आने का भी मसला है, डर भी जाते हैं कबूतर ऊपर आओ तो कर लेते हैं फ्लैश ऑन करके। ये देखिए अंडा फर्टाइल हो गया, अंदर इसके बच्चा बांध रहे। दूसरा वाला अंडा भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये भी फर्टाइल है, तो इनको ज़्यादा छेड़ते नहीं है। ये इसका मेल, इसको लगी हुई है साइड पे, ये भी जख्मी हुआ है, इसका पार पे पट्टी हुई हुई है। तो इसको छोड़ देते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, ताकि फीमेल अंडों को कवर कर ले। तो चले अभी एक हमारे पास सरप्राइज आया था, जिसकी हम कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो चेक करते हैं इसके अंदर क्या है हमारे पास। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, तब आपको दिखाई दी कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो चले आप लाइक करें, शेयर लाजमी करना है किसी दोस्तों के साथ। कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं हमारे पास क्या है। एक ये लक्का है, छोड़ देते हैं इसको इधर ही, काफी खूबसूरत है। अब ये नहीं पता कि ये मेल है कि फीमेल है। एक और भी है हमारे पास, लेकिन ये दोनों मुझे अलग ब्रीड लग रही है। ये बच्चा है मेरे ख्याल से, इसको जख्म भी हुआ है नाक पे, इसको भी यहाँ पे आजाद कर देते हैं। तो अभी तक हमारे जितने भी पेयर थे, जैसे ये हीरा होगा, चीना और ये मुश्किल का पेयर, अभी तक इनमें से किसी ने ब्रीड नहीं की। तो कल इनके लिए बनाते हैं नई फीड, आपको भी बताएंगे कि वो किस तरह बनती है, ताकि परिंदे अंडे जो से नहीं देते उनके लिए अच्छी होती है, और वो जल्दी ब्रीड करने लग देते हैं। तो आपके लिए एक तरह से इन्फॉर्मेशन के मुतालिक भी वीडियो हो जाएगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो ये जो सा हमारा एक और पेयर था जो हम लाए थे फैंसी, इसका पता तो नहीं है, कौन सा, लेकिन बस प्यारा लगा था तो परचेज कर लिया हमने। तो ये भी उम्मीद है कि बहुत जल्द अंडे दे देगा, क्योंकि ये पेयर बिल्कुल ना एक्टिव है, सही पेयर है, यानी बाउंड हुआ है। इसके लिए भी एक घर बनाना है, ये भी वैसे ही इधर ही रहता है, इसको भी जगह देनी है, ताकि ये भी जल्दी से जल्दी ब्रीड करे। मुझे वैसे तो सबसे ज़्यादा शौक इसके अंडे बच्चे देखने का, क्योंकि खूबसूरत है, छोटी हाइट में काफ़ी प्यारा है। तो चले, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।